हेलो दोस्तों, दिस इज बाय त्रिलोकी इंडिया वाले और आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। आपसे इसमें से जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है आपको चेक करने के लिए कि आपने जो डेटाबेस सिस्टम पढ़ा है आपको पता भी है कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम होते हैं और कौन अभी फिलहाल में यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में जानना काफ़ी जरूरी है। तो देखो, डेटाबेस सिस्टम बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जो पहले यूज होते थे और अभी यूज हो रहे हैं, वे सब मिलाकर चार होते हैं। सबसे पहले हमारा होता है हायरार्किकल डेटाबेस, फिर नेटवर्क डेटाबेस, फिर नो एसक्यूएल डेटाबेस और रिलेशनल डेटाबेस। जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जो हम लोग थ्रू आउट द कोर्स पढ़ रहे हैं या फिर सारा कोई हम लोग पढ़ते हैं, अभी जो चल रहा है, वो हमारा है रिलेशनल डेटाबेस। मीन्स ए टेबल के रूप में होता है। किसके रूप में? टेबल के रूप में होता है। तो ये हमारा क्या है? ये डेटाबेस है। मैं यहाँ क्या लिखूंगा? डेटाबेस। मैं यहाँ नीचे भी लिख देता हूँ फिगर डीबी। डीबी मीन्स डेटाबेस। तो हमारा सबसे पहले क्या होता है? हायरार्किकल। हायरार्किकल कैसे हम डिनोट करते हैं? यहाँ जाएंगे और जैसे एक कोई डेटा है, इसके अंदर दो और डेटाबेस है, दो और डेटा है, फिर इसके अंदर भी और डेटा है। ये हायरार्की लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, हायरार्की लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है कि कोई एक है, इससे फिर दो डेटा हुआ, फिर इससे और हुआ, ऐसे होते रहा है। तो इस टाइप के जो डेटाबेस है, ऐसे डेटा जहाँ स्टोर होता है, वो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हायरार्किकल डेटाबेस। फिर एक होता है हमारा नेटवर्क, यहाँ लिखा है नेटवर्क। मैं यहाँ जाऊँगा और नेटवर्क का यहाँ इमेज बनाऊंगा। नेटवर्क में क्या होता है कि एक चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है। मीन्स सारा का सारा फाइल्स फोल्डर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। जैसे देखो, ये सारा का सारा एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। जैसे हम लोग टोपोलॉजी पढ़े हैं या फिर नेटवर्क पढ़े हैं, इसमें क्या होता है कि सारा का सारा जितना भी उसमें डिवाइस होता है सब एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। किस लिए? ताकि वो डेटा और इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सके। समझ में आ रहा है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे नेटवर्क, नेटवर्क डेटाबेस। इसको क्या बोलेंगे? हायरार्किकल डेटाबेस, हायरार्किकल डेटाबेस। फिर हमारा क्या होता है? नो सिक्वल। नो सिक्वल इसमें क्या होता है? की वैल्यू का पेयर होता है, की और वैल्यू का पेयर। जैसे एग्जाम्पल इसका क्या है? मोंगो डीबी या फिर मोंगो डीबी, जो हमारा क्या है? डेटाबेस है। इसके बारे में हम लोग ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना जानना है कि हाँ, जो नो सिक्वल भी कुछ होता है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? नो सिक्वल। ठीक है, और जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, जिसके बारे में हमें पढ़ना है और इसी पर डेटाबेस हमारा स्थित है, वो है आरडीबीएनएस का पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिलेशनल डेटाबेस। क्या बोलते हैं? रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? हमें इसी के बारे में पढ़ना है। इसमें क्या होता है? टेबल के रूप में हमारा डेटा प्रेजेंट रहता है, टेबल्स। और हर एक टेबल्स का कुछ ना कुछ नेम रहता है, मीन्स नेम ऑफ रिलेशन। हर एक टेबल का या फिर हर एक रिलेशन का कुछ ना कुछ क्या रहता है? नाम रहता है। इतना आप अगर डायग्राम बना देंगे टाइप्स ऑफ डेटा सिस्टम में, तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। और एक बात मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जो हमारा हायरार्किकल है और नेटवर्क है, ये दोनों, ये हमारा क्या है? ये दोनों हमारा है बहुत पहले का, यानी ट्रेडिशनल डेटाबेस। पहले का है तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रेडिशनल डेटाबेस। और ये दोनों हमारा क्या है? मॉडर्न डेटाबेस। नो सिक्वल और रिलेशनल क्या है? मॉडर्न। एक मिनट, मार्कर को क्या हो गया, मैं ये देख लेता हूँ, यहाँ फिर से लिखता हूँ। ये दोनों हमारा क्या है? मॉडर्न, मॉडर्न डेटाबेस है। इतना समझ में आया है? ये दोनों हमारा क्या है? नेटवर्क और हायरार्किकल, ट्रेडिशनल यानी ओल्ड, आप इसे ओल्ड भी बोल सकते हो, ट्रेडिशनल। ये दोनों हमारा क्या है? मॉडर्न यानी न्यू। आजकल यही दोनों काम में चल रहा है और हम लोग पढ़ने वाले हैं सिर्फ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी वास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिलेशनल डेटाबेस के बारे में। देखो, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है क्या, कि जो रिलेशनल डेटाबेस है, किसी भी डेटा को टेबल के रूप में क्या करता है?
स्टोर करता है, किस रूप में करता है, टेबल्स के रूप में इसको क्या करता है, स्टोर करता है। तो देखो हमारा टेबल्स में हमको पता है जो हॉरिजॉन्टल चीजें रहती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम लोग रोज बोलते हैं, ये हमारा क्या है, रोज है, मैं यहाँ लिखता हूँ रोज। और जो वर्टिकल रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कलम। इतना समझ में आ रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल रहता है उसको हम लोग रोज बोलते हैं, जो वर्टिकल रहता है उसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो एक बात आपको काफी यहां समझना है, जो वर्टिकल है उसको हम लोग कॉलम भी बोलते हैं और साथ ही साथ हम लोग इसको फील्ड बोलते हैं, फील्ड। और इसके अलावा हम लोग इसको एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या है ये हम लोग वीडियो में आगे पढ़ेंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ। एट्रीब्यूट मतलब होता है उसका प्रॉपर्टी, जैसे स्टूडेंट है तो उसका प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकता है, उसका नाम हो सकता है, उसका रोल नंबर हो सकता है, उसका ईमेल आईडी हो सकता है, उसका घर कहाँ है, उसका एड्रेस कहाँ है, वो क्या हो गया, एट्रीब्यूट हो गया। वो क्या हो गया आपका, एट्रीब्यूट हो गया। तो आप कॉलम को कॉलम कहो, जो वर्टिकल हमारा कॉलम है उसको कॉलम कहो, या फिर फील्ड कहो, या एट्रीब्यूट करो, तीनों का तीनों क्या है, बराबर है। वैसे ही अगर हमारा ये हॉरिजॉन्टल रोज है, आप इसको रोज कहो, या फिर टपल्स कहो, या फिर क्या कहो, रिकॉर्ड्स, इसका तीन नाम है। हॉरिजॉन्टल रोज है उसको आप रोज कहो, या फिर टपल्स कहो, या रिकॉर्ड्स कहो, तीनों का तीनों बराबर है। आपसे बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हॉरिजॉन्टल रोज होता है उसको और किस नाम से जानते हैं, या फिर जो वर्टिकल कॉलम होता है उसको और किस नाम से जानते हैं। तो आपको इन तीनों नाम को याद कर लेना है, इसका भी तीनों नाम क्या कर लेना है, याद कर लेना है। तो ये हमारा क्या है, एस रोल नंबर, ये हमारा क्या है, एक कॉलम है। रोल नंबर क्या है, एक कॉलम है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट का रोल नंबर है। हमारा नेम है, नेम का कॉलम है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का नेम है। तो देखो जो हमारा एस रोल नंबर, एस नेम, एस फोन, एस ईमेल, इस सब को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्कीमा बोलते हैं। एस्कीमा मैं बहुत वीडियो में आपको बताते आ रहा हूँ, एस्कीमा इसको बोलते हैं, हेडिंग को। और इसमें जो वैल्यू हम लोगों ने रखा है, जो वैल्यू हम लोगों ने पुट किया है, इसका ईमेल में 3 वैल्यू, फोन में 3 वैल्यू, नेम में 3 वैल्यू, ये हमारा क्या है, इंस्टांस है। जो वैल्यू है उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टांस। में यहाँ लिख देता हूँ, आप लिख लेना। इतना समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है। और एक चीज अभी आपको जानना कहा जरूरी है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डिग्री ऑफ रिलेशन के बारे में, कि डिग्री ऑफ रिलेशन क्या होता है। तो जितना नंबर ऑफ कॉलम्स होता है, जितना नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब जैसे कॉलम कितना है, 1 2 3 4 5, तो डिग्री ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा, 5। और इसका हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स कह लो, या कॉलम्स को क्या बोलते हैं, फील्ड्स कह लो, या फिर क्या कह लो, या फिर आप एट्रीब्यूट कह लो, एट्रीब्यूट। जितना किसी टेबल में जितना नंबर ऑफ कॉलम्स होगा, या फील्ड होगा, या फिर एट्रीब्यूट होगा, उतना उसकी डिग्री मानी जाएगी। आपसे क्वेश्चन गेट में भी पूछा जाता है, और आपके एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एमसीक्यू में, कि एक टेबल थमा देगा आपको और बोलेगा इसकी डिग्री क्या है, क्या बोलेगा, इसकी डिग्री क्या है। वैसे ही कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन एक टॉपिक है, इसमें क्या होता है, चूंकि जो डिग्री ऑफ रिलेशन है जितना कॉलम है उसको डिग्री बोलते हैं, तो कार्डिनलिटी क्या है, जितना रोज है, कितना रोज है, रोज 1 2 3, तीन है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3। और क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ क्या, रोज, या फिर इसको क्या हम लोग बोलते हैं, टपल्स बोलते हैं, या फिर क्या इसको बोलते हैं हम लोग, रिकॉर्ड्स बोलते हैं। किसी भी टेबल में कितना नंबर ऑफ रोज है वहीं उसका क्या हो जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन हो जाएगा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है डोमेन, आपसे डोमेन के बारे में पूछा जाता है कि किसी टेबल में डोमेन क्या होता है, किसी टेबल में डोमेन क्या होता है। यहाँ डेटा बेस का स्पिन गलत है तो आप यहाँ ए लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डोमेन का वैल्यू क्या है, डोमेन क्या होता है, तो देखो डोमेन होता है ए सेट ऑफ परमिटेबल वैल्यू गिवेन फॉर एन एट्रीब्यूट। किसी एट्रीब्यूट को एक परमिटेबल वैल्यू देना, जो वैल्यू जायज है, जो जिस वैल्यू का कोई वैल्यू है, जो वैल्यू रियल में एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे जो फोन नंबर है, इसकी परमिटेबल वैल्यू हम लोग क्या दे सकते हैं, फोन नंबर का, यही हम लोग सिर्फ परमिट करेंगे कि 10 डिजिट का पहले तो एक नंबर आना चाहिए, कि जो नंबर आना पहले तो एक नंबर आना चाहिए, और वो भी 10 डिजिट का आना चाहिए। एक भी अगर एक्स्ट्रा हुआ, कम हुआ, तो फोन नंबर नहीं, तो हम लोग क्या दिए, ये इसका डोमेन हो गया। क्या डोमेन हुआ, कि परमिटेबल वैल्यू, यहाँ क्या लिखूंगा, या फिर परमिटेड वैल्यू गिवेन
फॉर एन एट्रीब्यूट, किसी भी एट्रीब्यूट को जो वैल्यू हम परमिट करते हैं, कि जैसे जेंडर है तो उसको हम परमिट कर रहे हैं क्या, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, या मेल होगा या फीमेल होगा, हम लोगों ने वैल्यूज को असाइन कर दिया कि जेंडर में दो ही वैल्यू आएगा, या मेल या फिर फीमेल। वैसे ही फोन नंबर हमने क्या असाइन किया कि सबसे पहले तो ये नंबर डेटा टाइप होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, और साथ ही साथ 10 डिजिट का होना चाहिए। इससे ज्यादा हो रहा है तो नंबर नहीं है, कम हो रहा है तो नंबर नहीं है, ठीक है। जैसे कोई प्राइस का एट्रीब्यूट है, प्राइस, इसमें आपको क्या इसका डोमेन है, इसका डोमेन है कि सबसे पहले नंबर होना चाहिए, नंबर नंबर, जैसे 1 2 3 आप लिख दीजिए, किसी का प्राइस हो सकता है। आप ऐसे थोड़ी लिखोगे 1 2 3 पॉइंट ABXCD, इसमें कुछ आप जोड़ दिए, आप इसमें कैरेक्टर लगा दिए, ऐसा तो आप नहीं करोगे। तो वही हमारा डोमेन है कि जो वैल्यू हम परमिट कर सकते हैं, जो वैल्यू हम किसी टेबल के किसी एट्रीब्यूट को वैल्यू दे सकते हैं, वही उसका क्या है, डोमेन है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट आपका रह जाता है तो प्लीज आप कमेंट करें, और नए नए आए चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, ताकि उनको भी DBMS काफी अच्छा से और काफी हाई लेवल तक समझ में आना शुरू हो जाए, और वो भी अपने एग्जाम्स में, अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, अपने सेमेस्टर्स के एग्जाम में काफी अच्छा परफॉर्म कर पाए, ठीक है, और DBMS को काफी इंजॉय करके पढ़ पाए, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा चीजों को बताया है। कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करें, कोई भी डाउट आपको रह जाता है तो प्लीज आप कमेंट करें, और हमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका दें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।